कि हर घर कृष्ण बने, हर माँ यशोदा बने, तो हमारे अपने ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, हर स्थान पर नगरी निकाय के माध्यम से गीता भवन की स्थापना की जाएगी। गीता भवन बनाने का काम हमारी सरकार ने निर्णय किया है, तो कम से कम एक ब्लॉक के अंदर एक गांव हमारा बरसाना के नाते से जाना जाएगा, गोकुल बरसाना नंद बाबा के गांव की तरह, जहां पर अपने गांव में सभी आदर्श स्थापित किए जाएंगे। एमपी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जहां पहली बार स्कूल कॉलेजों में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हुए, तो पूरे प्रदेश में कृष्ण पर्व का आयोजन भी किया गया। इसी कड़ी में अब मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक नगरीय निकाय में गीता भवन खोलने का निर्णय लिया है, तो वहीं गांव में अब बरसाना की तर्ज पर आदर्श गांव बनेंगे, जिसकी घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृष्ण पर्व कार्यक्रम में की, जिसके तहत अब प्रदेश सरकार हर विकास खंड में कम से कम एक गांव को बरसाने की तर्ज पर विकसित करेगी, जिन्हें आदर्श ग्राम बनाने के साथ ही यहां सभी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिन्हें वृंदावन ग्राम नाम दिया जाएगा। इन गांवों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के आदर्श और सिद्धांतों का प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। इसके अलावा हर नगरीय निकाय में एक गीता भवन केंद्र स्थापित होगा। शहरों में बनने वाले गीता भवन में पुस्तकालय, पार्किंग और कैफेटेरिया होगा। यह ऐसी जगह बनेंगे जहां लोग पैदल पहुंच सके, बुजुर्ग, सामान्य पाठकों और छात्रों के लिए अलग अलग रीडिंग रूम यहां पर बनाए जाएंगे। तो वहीं वृंदावन गांव में ऐसे गांव होंगे जहां 60% खेती, गौशाला संचालन और दूध उत्पादन हो रहा है। वृंदावन ग्रामों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के साथ ही किसानों की आय दुगनी करने पर भी फोकस किया जाएगा। लोकमत के लिए मध्य प्रदेश से आकाश सिंह की रिपोर्ट।